वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएटी एंड डीएमएटी स्टूडेंट। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर अपन आज किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो टुडेज लेक्चर ऑन वैक्यूटेनस सिस्टम ऑफ ब्लड ब्लड कलेक्शन। आज का लेक्चर जो है आपका वैक्यूटेनस सिस्टम के ऊपर, जो यानी अभी काम में लिए जा रहा है ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, यानी एडवांस जो टेक्निक है उसके ऊपर है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अपन क्या है, पिछले का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं जो कि इसके ऊपर था, वेन्स ब्लड कलेक्शन के ऊपर था। पीछे का जो आपका लेक्चर था वो किसके ऊपर था, वेन्स ब्लड कलेक्शन के ऊपर था। वेहन रिक्वायरमेंट लार्ज ऑफ आपको बड़े अमाउंट की जरूरत हो ब्लड की, उस टाइम पे अपन क्या ब्लड को कहाँ से कलेक्ट करते हैं, वेन से कलेक्ट करते हैं। जनरली वेन इज ऑफ आर्म इज यूज, और जनरली अपन वेन को कहाँ से यूज करते हैं, जो आपकी बाजू है यानी एल्बो जॉइंट के ऊपर जो जगह है वहां को क्या है, वहां की वेन से अपन क्या ब्लड के सेप्ट को कनेक्ट करते हैं। देयर आर फाइव वेन्स पासिंग थ्रू आर्म, और यहाँ पे क्या है मोस्टली क्या है, पांच प्रकार की वेन्स क्या है पास होती है कहाँ से, आर्म से यानी भुजा से। इसके अंदर क्या है सिक्लिक वेन है, पेरिफेरल वेन है, एसेंशियल वेन है, मीडियन वेन है और इंटीरियर वेन है। यानी क्या है पांच प्रकार की वेन है जो पास होती है, जिससे क्या है अपन वेन्स जो है ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है सिक्लिक वेन होगी या फिर क्या होगी पेरिफेरल वेन होगी या फिर एसेंशियल वेन होगी या मीडियन वेन होगी या इंटीरियर वेन होगी। नेक्स्ट पे द मोस्ट प्रोमिनेंट वेन इज यूज फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, जो इन पांचों वेन में से यानी जो महत्वपूर्ण हो, जो अच्छे तरीके से दिखाई दे और जिसकी स्ट्रक्चर अपन अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सके, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सके, मोस्ट प्रोमिनेंट जो वेन है उसी को क्या है अपन ब्लड कलेक्शन के अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट इन सम केसेस वेन फ्रॉम रिस्ट और लेग वेन कैन बी यूज, और कुछ केसेस के अंदर क्या होता है तो रिस्ट की जो वेन है यानी कलाई की जो वेन है, मुट्ठी की जो वेन है उसको क्या है, और लेग्स की जो वेन है यानी पांव की जो वेन है उनको भी काम में लिया जाता है ब्लड कलेक्शन के अंदर। यानी जब क्या है आपके क्या है कि आर्म के अंदर सही तरीके से वेन दिखाई नहीं दे, सही तरीके से शो नहीं हो, उस टाइम पे क्या है अपन लेग्स की वेन को काम में ले सकते हैं और रिस्ट की वेन को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तो पांच प्रकार की वेन है वो किस तरीके से, तो सिफिलिक वेन है जो अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है आपको डायग्राम में, एक एसेंशियल सिफिलिक वेन है जो किससे डिवाइड हो रही है, सिफिलिक वेन से डिवाइड हो रही है, एक मीडियल पिविटल वेन है, दूसरा क्या है बेसिलिक वेन है, और इसके अलावा क्या है एक एंटीरियर सिफिलिक वेन है जो क्या इससे डिवाइड होती है यानी एंटीरियर वेन है। ये क्या है पांच प्रकार की वेन है जो क्या है दिखाई दे रही है आपको। नेक्स्ट देखिए कलेक्शन प्रोसेस, यानी कलेक्शन प्रोसेस के अंदर अपन कौन सी चीजें काम में लेते हैं, तो एक तो निडल काम में लेते हैं जो क्या है वेन के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, जिसका साइज क्या होता है 18 to 20 गाउज होता है, किसके लिए एडल्ट के लिए, और 23 गाउज किसके लिए होता है चिल्ड्रंस के लिए। और क्या काम में लेते हैं अपन सीरिंज को काम में लेते हैं, और क्या काम में लेते हैं स्प्रिट और 95% अल्कोहल को काम में लेते हैं, डिस्टेंस इंफेक्ट करने के लिए, जिस जगह से अपन क्या ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं उस जगह को डिसइंफेक्ट करने के लिए। और क्या काम मिले थे टूनिकेट को काम मिले थे, कॉटन स्वैब को काम मिले थे और कलेक्शन ट्यूब को काम मिले थे, जिसमें क्या है पर ब्लड को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर,
प्रोसीजर में क्या है कि फर्स्ट टू ऑल सिलेक्ट द अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड एंड सिलेक्ट द ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यानी सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है कि कितने अमाउंट के अंदर आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट, यानी 2 ml ब्लड की है, 3 ml ब्लड की है, यानी टेस्ट के अंदर कितने ब्लड की जरूरत है, और फिर क्या सिलेक्ट करना है आपको कि कौन से टेस्ट लगाने हैं ब्लड से, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या सिलेक्ट करनी है, टेस्ट ट्यूब सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट, नाउ टेल द पेशेंट ऑल प्रोसीजर ऑफ ब्लड कलेक्शन। अब क्या है आपको पेशेंट को जो ब्लड कलेक्शन का पूरा प्रोसीजर है वो बता देना है, किस तरीके से आप ब्लड को कलेक्ट करोगे। नेक्स्ट, नाउ प्लेस द पेशेंट आर्म ऑन टेबल। अब क्या करना है, पेशेंट की जो आर्म है वो बाजू किसके ऊपर प्लेस करनी है आपको, टेबल के ऊपर रखनी है। नेक्स्ट, अप्लाई द ट्यूनिकेट एंड सिलेक्ट द वेन फ्रॉम द वेयर द सैंपल इज टू बी टेकन। फिर क्या करना है आपको, ट्यूनिकेट को अप्लाई करना है जिसके ऊपर, जहां से आपको ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, यानी उस जगह पे आपको ट्यूनिकेट अप्लाई करना है। फिर क्या करना है, वेयर द सैंपल इज टू बी टेकन, यानी आपको क्या है वेन को सिलेक्ट करना है, किस वेन से आपको क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट करना है, जो क्या है मोस्ट प्रोमिनेंट वेन होगी। नेक्स्ट, क्लीन द पंचर साइट यानी डिसइंफेक्ट विद कॉटन स्वैब। फिर क्या आपको पंचर साइट को क्या है डिसइंफेक्ट करना, यानी वेन का सिलेक्शन कर दिया, फिर क्या है कॉटन स्वैब की हेल्प से क्या उसको डिसइंफेक्ट कर देना है, यानी क्या है उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर प्रेजेंट होगा तो उसको क्या है हटा देना है। नेक्स्ट, रिमूव द प्लास्टिक कैप ओवर द नीडल एंड होल्ड द नीडल एंड सिरिंज एंड टेक इट इन शार्पनेस एंड अनब्लॉकनेस एंड इट इज मूविंग इजीली। फिर क्या करना है, जो नीडल के ऊपर प्लास्टिक कैप है जो आपको इंजरी वगैरह से बचाती है उसको रिमूव कर देना है, हटा देना है, और क्या करना है आपको नीडल की जो शार्पनेस है उसको चेक करना है कि सही तरीके से है या नहीं, और नीडल की जो अनब्लॉकनेस है यानी ब्लॉक है या नहीं वो चेक करनी है, जो सिरिंज का पिस्टन है वो अच्छे तरीके से मूव करना है या कर रहा है या नहीं, इट इज मूविंग इजीली यानी अच्छे तरीके से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। जाएगा सिरिंज के अंदर शुरू हो जाएगा, यानी नीडल के
आपके अंदर आपको क्या है ब्लड दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद योर लेफ्ट हैंड स्लोली पुल बैक द पिस्टन ऑफ सिरिंज एंड ऑब्टेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड इन सिरिंज। फिर क्या है, आपके लेफ्ट हैंड के हेल्प से क्या है, सिरिंज का जो पिस्टन है उसको बैक क्या है खेचना, यानी स्लोली पुल बैक करना है, ताकि क्या है सिरिंज के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो, जिससे क्या है ब्लड क्या है सिरिंज के अंदर आ जाए, जितने रिक्वायरमेंट की आपको जरूरत है, जितने ब्लड की आपको जरूरत है। नेक्स्ट, द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लड इज ड्रावन एंड वेन इट इज अबाउट टू कम्प्लीट रिमूव द ट्यूनिकेट। जब क्या है आपको पर्याप्त जितने अमाउंट की ब्लड की जरूरत है उतना ड्रॉ हो जाए, बाहर निकल जाए, देन अमाउंट अबाउट टू कम्प्लीट, यानी जब क्या है उसकी मात्रा कम्प्लीट होने को, जितना अमाउंट आपको जरूरत है उतना ब्लड बाहर निकलने को तैयार हो, तो फिर क्या कर देना आपको रिमूव द ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेट को हटा देना है। नेक्स्ट, द नीडल इज विथड्रॉ फ्रॉम द वेन, जैसे पूरा आपको ब्लड कलेक्शन कम्प्लीट हो जाए, नीडल को क्या कर देना है आपको वेन से हटा लेना है, यानी पंचर साइड से हटा लेना है। नाउ प्लेस कॉटन स्वैप ऑन द पंचर साइड, फिर क्या है आपको एक कॉटन स्वैप प्लेस करनी है सुपर पंचर साइड के ऊपर। नेक्स्ट, नाउ रिमूव द नीडल फ्रॉम द सिरिंज एंड ट्रांसफर कलेक्टेड ब्लड इन टू कलेक्शन ट्यूब, फिर क्या आपको सिरिंज से नीडल हटा लेनी है और ब्लड को किसके अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड कलेक्शन ट्यूब के अंदर। अगर आपके आकार में ले रही एंटीकोगुलेंट इज यूज, यानी ब्लड को आपको नेचुरल कंडीशन में रखना है, तो क्या करना है जैसे एंटीकोगुलेंट ट्यूब ले रहे हो आप, कोई आप काम में यानी ईडीटीए को काम में ले रहे हो, तो क्या करना है तरीके से मिक्स करना है। तो आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है, थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम यानी वैक्यूटेनल सिस्टम, जिसके अंदर क्या है कि अपन अभी जो टेक्निक काम में ले रहे हैं ब्लड सैंपल के अंदर, ब्लड सैंपल कलेक्शन के अंदर, तो ए वैक्यूटेनल सिस्टम इज वन मेथड ऑफ परफॉर्मिंग वेन पंचर ऑफ ब्लड ड्रोन। यदि वैक्यूटेनल सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है क्या परफॉर्म कर रहा है, वेन पेंटर को ही परफॉर्म कर रहा है और वेन से ही क्या कर रहा है ब्लड रोक रहा है बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट, इट्स एडवांस एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज इन ब्लड कलेक्शन, ये क्या है एक एडवांस और महत्वपूर्ण क्या है टेक्नोलॉजी है, जो किसके लिए काम में ली जाती है, ब्लड को कलेक्ट करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए प्लास्टिक होल्डर, ये जो ब्लड कलेक्शन यानी जो वैक्यूटेनल सिस्टम है वो किससे बनाया है, प्लास्टिक होल्डर से बनाया है। ए डबल एंडेड नीडल एंड वैक्यूटेनल ट्यूब, जो किसको होल्ड करता है, एक तो डबल एंडेड नीडल यानी जो क्या है ऐसे नीडल को होल्ड करता है जिसके दोनों किनारों पे क्या है नीडल है, यानी जिसकी दोनों साइड जो है वो शार्प है तीखी है, और क्या होल्ड करता है एक वैक्यूटेनल ट्यूब को होल्ड करता है। नेक्स्ट, वन एंड ऑफ द डबल साइड नीडल इज इंसर्टेड इनटू द होल एट द टॉप ऑफ द प्लास्टिक होल्डर एंड स्क्रूड ऑन, एक तो साइड आपका इसका नीडल का वो किसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, होल्ड के अंदर जो यानी होल्डर जो है जिसके अंदर नीडल को पकड़ रखा है उसके अंदर स्क्रूड ऑन किया जाता है, और जो किसके अंदर इंसर्ट किया जाता है एक साइड जो है नीडल का वो वेन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, The other side of the needle is inserted into the vein and the vacuolar tube is inserted into the plastic holder to perform the blood flow, blood draw या blood flow। तो देखिए कि the other side of the needle is inserted into the vein, यानी जो क्या है outer side है किसकी vacuolar system की, वो किसके अंदर inject की जाती है vein के अंदर inject की जाती है, and the vacuolar tube is injected into the plastic holder, और जो प्लास्टिक होल्डर के अंदर दूसरी तरफ जो क्या इनर नीडल है यानी प्लास्टिक होल्डर के अंदर जो नीडल है उसके अंदर क्या अटैच की जाती है वैक्यूटेनल ट्यूब अटैच की जाती है, जिस चीज के लिए होल्डर टू परफॉर्म द ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए यानी ब्लड को कलेक्ट करने के लिए। तो वैक्यूटेनल सिस्टम क्या है एक वेन पंचर सिस्टम है, यानी वेन से ब्लड कलेक्शन का एक एडवांस सिस्टम है, ये क्या है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी किसको ब्लड कलेक्ट करने की।
जिसके अंदर क्या है, दो, जिसके अंदर क्या है, एक नीडल होती है जिसके अंदर दोनों साइड के अंदर क्या है, एक होल्डर होता है जिसके अंदर क्या है, दोनों साइड के अंदर नीडल्स होती है। एक साइड के अंदर तो क्या रखती है, जो आउटर साइड है, जिसकी वेंट्रिकुलर नर्व सिस्टम, यानी आउटर जो नीडल है वो कहाँ पे इंसर्ट होती है, ब्रेन के अंदर। तो इनर जो नीडल है, यानी अंदर की जो नीडल है वो कहाँ पे इंसर्ट होती है, आपकी ट्यूब के अंदर इंसर्ट होती है, जिसके अंदर आपको ब्लड कलेक्ट करना है। देखिए वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब क्या है, यानी वैक्यूम कप की तरह काम करती है, जो सत्तन का काम करती है। तो वैक्यूम तो उनके, अगर आप वैक्यूम ट्यूब को अगर आप जनरली लैंग्वेज के अंदर देखना चाहें तो उनके अंदर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, यानी जो क्या है बाहर की चीज को अंदर सक कर देती है, यानी उनके अंदर गैसेस की क्या होती है, कमी होती है। उनका जो कॉर्क होता है वो किसका होता है, रबड़ का बना होता है, जिसके अंदर क्या है, जो इनर जो नीडल होती है वैक्यूम के अंदर की, वो इंजेक्ट करवा देती है, जिसके क्या है कि वो ब्लड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। तो वैक्यूम ट्यूब को देखिए, वैक्यूम ट्यूब्स आर ग्लास ट्यूब विद रबर स्टॉपर दैट कंटेन्स एंटीकोगुलेंट जेल और पाउडर टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन ट्यूब। यानी वैक्यूम ट्यूब क्या है, ग्लास की ट्यूब्स होती है जो तो किसके द्वारा कवर आती है, जिनका ढक्कन क्या होता है, रबर का होता है, यानी रबर स्टॉपर होता है, दैट कंटेन जो रखती है क्या, एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट पाउडर दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन द ब्लड ट्यूब, जो क्या है ब्लड को क्या बचाता है कोएगुलेशन से, किसके अंदर, ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट द वैक्यूम ट्यूब मेथड ऑफ क्लेबोमेटी, क्लेबोमेटी क्या होता है कि वेन से ब्लड को कलेक्ट करना, कलेक्ट करना। तो द वैक्यूम ट्यूब मेथड ऑफ क्लेबोमेटी, क्लेबोटॉमी या फिर क्लेबोमेटी या क्लेबोटॉमी इज गुड फॉर कलेक्शन मल्टीपल, गुड फॉर कलेक्टिंग मल्टीपल वायल्स ऑफ ब्लड। जो वैक्यूम ट्यूब मेथड है वो फ्लेबोटॉमी के लिए एक अच्छा मेथड है, मल्टीपल वायल्स के लिए, यानी जैसे कि आईडीटी वायल के अंदर आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, सीबीसी के लिए ब्लड शुगर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्लड शुगर वायल्स के अंदर आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, यानी अलग अलग वायल्स के अंदर वैक्यूटेनस सिस्टम के अंदर अपन क्या है सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, कम इन मल्टीपल साइट एज इट इज दैट इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर रूटीन ब्लड टेस्ट। और वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या ब्लड को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए वैक्यूम ट्यूब क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स आर लार्ज या ग्लास ट्यूब विद रबर स्टॉपर। वैक्यूम क्या है, ट्यूब क्या है, ग्लास की ट्यूब्स होती है जो किसके साथ बनी है, रबर के स्टॉपर के साथ बनती है, यानी इसका ढक्कन जो किसका बनाता है, रबर का। दैट कंटेन एंटीकोगुलेंट जेल, जो क्या रखती है अपने अंदर, एंटीकोगुलेंट जेल गैस रखती है, जो क्या है ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, और पाउडर टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन द ट्यूब। और क्या पाउडर रहता है जो क्या है ब्लड क्लॉटिंग को प्रिजर्व रखता है, यानी ब्लड को क्लॉटिंग से प्रिजर्व रखता है। नेक्स्ट द वैक्यूम ट्यूब मेथड ऑफ फ्लेबोटोमी इज गुड फॉर कलेक्टिंग मल्टीपल वाइट्स ऑफ ब्लड, यानी वेन से ब्लड को कलेक्ट करना किसके द्वारा, वैक्यूटेनस सिस्टम के द्वारा। एक बहुत ही अच्छा फ्लेबोटोमी मेथड है, के अंदर क्या है अपन अलग अलग वाइस के अंदर ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इन मल्टीपल साइज एंड इज ऑफ्टन यूज फॉर रूटीन ब्लड टेस्ट। और जो क्या है वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर क्या है, अलग अलग साइज के अंदर क्या है अपन क्या है ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग वाइस के अंदर क्या है काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको वैक्यूटेनस सिस्टम का डायग्राम, जिसके अंदर आगे की तरफ देखेंगे तो आपको क्या है नीडल दिखाई दे रही है, तो नीडल के ऊपर डबल एरो, एक तो क्या है आउटर रीडर यानी बाहर की तरफ वैक्यूटेनल सिस्टम की, एक क्या है इनर रीडर यानी वैक्यूटेनल सिस्टम के अंदर इनर रीडर, एक हब है जो किसका है नीडल का, एक सेट है जो बीच का कौन सा रीडर का, जो आउटर नीडल है उसका,
ब्रेन क्या है, टिप है, जो क्या है नीडल को इंजेक्ट कर दी किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। और जो इनर नीडल है यानी वैक्यूम टाइप सिस्टम के अंदर नीडल है, वहां भी क्या अटैच करते हैं, अपन वैक्यूम ट्यूब अटैच करते हैं जिससे क्या है ब्लड को कलेक्ट किया जाता है उसके अंदर। और ये क्या है ब्लैंड है, और जो इनर नीडल है यानी जो वैक्यूम टाइप सिस्टम के अंदर जो नीडल है सुई है उसके ऊपर क्या प्रोजेक्ट रहता है, रबर की स्लीव्स प्रोजेक्ट रहती है, यानी क्या है ब्लड बाहर ना निकले। जैसे ही वैक्यूम ट्यूब अटैच हो क्या है ब्लड उसके अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाए, अदरवाइज कंडीशन में क्या है ब्लड बाहर ना निकले। जब तक अपन क्या है उसमें ट्यूब अटैच नहीं करेंगे ब्लड का सैंपल बाहर नहीं निकलेगा। तो ये क्या है लेटेस्ट वैक्यूम टाइप सिस्टम का डायग्राम है। नेक्स्ट डे की प्रोसीजर ऑफ ब्लड कलेक्शन, तो फर्स्ट टू ऑल सिलेक्ट द अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड एंड सिलेक्ट द ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। सबसे पहले क्या है ब्लड का अमाउंट सिलेक्ट करना है कि कितने ब्लड की आपको रिक्वायरमेंट है यानी ट्यूब के अंदर, और फिर क्या है कि टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या सिलेक्ट करनी है, टेस्ट ट्यूब सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट नाउ टेल द पेशेंट आज प्रोसीजर ऑफ ब्लड कलेक्शन, फिर क्या है आपको पेशेंट को बता देना है कि पूरा प्रोसीजर बता देना है कि किस तरीके से आप ब्लड को कलेक्ट करोगे इसके अंदर से। नेक्स्ट नाउ प्लेस द पेशेंट आर्म ऑन टेबल, फिर क्या रखना है आपको पेशेंट की जो आर्म होगी उसके ऊपर रखनी है, टेबल के ऊपर रखनी है। नेक्स्ट अप्लाई द ट्यूनिकेट एंड सिलेक्ट द वेन फ्रॉम द वेयर द सैंपल इज टू बी टेकन, फिर क्या है आपको ट्यूनिकेट अप्लाई करना है किसके ऊपर, वेन के ऊपर, जहां से आपको क्या लेना है सैंपल लेना है, मोस्ट प्रोमिनेंट वेन जो आपको वेन अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है वहीं से अपन क्या लेंगे सैंपल लेंगे। यानी वेन क्या की है जो 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, यानी जिसके अंदर नीडल क्या है एंजाइम से इंजेक्ट की जाती है, यानी 1 इंच तक क्या होनी चाहिए लंबी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लीन द पंचर साइट डिस इंस्पेक्ट विद कॉटन स्वैब, और वैक्यूम क्लीनर सिस्टम में भी वही करते हैं, इंडिकेट अप्लाई करके वैन का सिलेक्शन करते हैं और फिर क्या करते हैं उस पंचर साइट को क्या करते हैं डिसइंफेक्ट करते हैं जहां पे आपको क्या है इंजेक्ट करना है नीडल को, यानी वैक्यूम क्लीनर सिस्टम की जो आउटर नीडल है उसको इंजेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए रिमूव प्लास्टिक कैप फ्रॉम आउटर नीडल ऑफ वैक्यूम क्लीनर सिस्टम, ये क्या करना है जो आउटर कैप है इसकी नीडल की उसको क्या कर देना है रिमूव कर देना है वैक्यूम क्लीनर सिस्टम की, यानी जो क्या है अपने इंजरी वगैरह से बचाती है जो जनरली स्ट्राइट रखती है नीडल को उस कैप को क्या कर देना है हटा देना है। नेक्स्ट विद द लेफ्ट हैंड होल्ड पेशेंट आर्म्स ऑफ स्किनियस टाइट एंड आस्क द पेशेंट टू ओपन क्लोज रिस्ट, फिर क्या करना है आपको पेशेंट जो है उसको क्या है उसके जो लेफ्ट हैंड की हेल्प से आपको उसके आर्म को क्या है पकड़ लेना ताकि उसकी स्किन क्या हो जाए टाइट हो जाए, और फिर क्या है पेशेंट को बोलना है कि जो उसकी रिस्ट है उसको ओपन करे और क्लोज करे ताकि क्या है जो उसका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो सके। नेक्स्ट टेक द वैक्यूम क्लीनर सिस्टम इन द राइट हैंड एंड होल्डिंग इंडेक्स फिंगर बेस ऑफ आउटर नीडल, कीप द सारा पॉइंट ऑफ द नीडल अपर साइड एंड इंजेक्ट द नीडल इन वेन विदाउट हेजिटेशन, यानी टेक द वैक्यूम क्लीनर सिस्टम इन द राइट हैंड, फिर आपको क्या लेना है कि जो वैक्यूम क्लीनर सिस्टम है उसको किस में लेना है राइट हैंड के अंदर लेना है एंड होल्डिंग इंडेक्स फिंगर बेस ऑफ द आउटर नीडल कीप द स्टार्ट पॉइंट, फिर क्या है आपको होल्डिंग जो इंडेक्स फिंगर है यानी जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है उसको कहाँ पे रखना है नीडल के ऊपर रखना है और कीप द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द नीडल अपर साइड, और जो सारा पॉइंट है नीडल का यानी आउटर जो नीडल है वैक्यूम क्लीनर सिस्टम की उसको कहाँ पे रखना है अपर साइड रखना है एंड इंजेक्ट द नीडल इन द वेन विदाउट हेजिटेशन, और बिना किसी हेजिटेशन के बिना किसी घबराहट के आपको नीडल को कहां पे इंजेक्ट कर देना है वेन के। नेक्स्ट वन एंड ऑफ द डबल पॉइंटेड नीडल इन
injected in the vein and other interrupt the rubber top of the vacuum collection tube. यानी एक जो end है respiratory system का वो तो किसके अंदर है, वो आपका वेन के अंदर है, यानी वेन से क्या आउटर जो एंड है नीडल का वो किसके अंदर है, वेन के अंदर है। जो अंदर दूसरा जो एंड है यानी वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर जो नीडल है वो किसके अंदर है, कलेक्शन ट्यूब के अंदर है, यानी जिसके अंदर आप क्या है ब्लड को कलेक्ट कर रहे हो उससे अटैच है और जिसके अंदर क्या है ब्लड कलेक्ट हो रहा है। देखिए ब्लड इज ड्रॉन इनटू द कलेक्शन ट्यूब फ्रॉम द वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब। ठीक है, ब्लड आपको किस में रखना है, ब्लड को क्या है ड्रॉ कर लेना है, बाहर निकाल लेना है किसके अंदर, कलेक्शन ट्यूब के अंदर। और वैक्यूम ट्यूब का क्या है, वैक्यूम के अंदर क्या है कलेक्शन ट्यूब इन साइड रखनी है, जब तक जितने रिक्वायरमेंट के आपको रिक्वायरमेंट है, जितने ब्लड की आपको रिक्वायरमेंट है जिस ट्यूब के अंदर और जिस टेस्ट के अकॉर्डिंग उतना ही ब्लड आपको क्या है कलेक्ट करना है। Next, faint vacuum collection tube can be removed and a new added as needed until the desired amount of blood has been collected. फिर क्या है, जैसे आपको क्या है कि एक ट्यूब जिसके अंदर क्या है इसको किया गया आपको टेस्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है ब्लड की उतना ब्लड कलेक्ट कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो दूसरी टेस्ट ट्यूब को ऐड कर सकते हो जिसके अंदर ब्रैकेटरी सिस्टम में, यानी दूसरे टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको अलग वाइज के अंदर ब्लड कलेक्ट करना है तो उसको ऐड कर लोगे, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड को कलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट, द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लड इज ड्रॉन एंड व्हेन इट इज अबाउट टू कंप्लीट रिमूव द ट्यूबिकेट। जितने ब्लड की आपको आवश्यकता है यानी जितना ब्लड आपको क्या है टेस्टिंग के लिए चाहिए उतना ब्लड अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में आ जाए तो ट्यूबिकेट को क्या कर दोगे रिमूव कर दोगे। नेक्स्ट, the needle of percutaneous system withdraw from the vein. तो जो जैसे ही आपका ब्लड जितने रिक्वायरमेंट उतना कंप्लीट हो जाए तो percutaneous system की जो नीडल है उसको बाहर निकाल दो वेन से और क्या है कोटम को प्लेस कर दो इसके ऊपर पंचर साइड के ऊपर। ये क्या है अपन आराम से इस तरीके से क्या है अपन percutaneous system से क्या है अपन ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले percutaneous system को इंजेक्ट करवाया आउटर जो नीडल है को इंजेक्ट करवाए वेन के अंदर और फिर क्या है उससे जो इनर साइड में जो नीडल है उससे क्या अटैच करवा दिया वेंट्रिकुलर ट्यूब को अटैच करवा दिया। इस जो डायग्राम उसमें क्या कौन सी ट्यूब अटैच है ईडीडी है जिससे के अंदर क्या प्रेजेंट होता है एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्या है अलग अलग वाइज जो प्रेजेंट होती है ब्लड कलेक्शन की वो क्या है उनके टॉप के अकॉर्डिंग होती है, उनका जो ढक्कन होता है उनके कलर के अकॉर्डिंग उनकी कलर के अकॉर्डिंग क्या है अपन काम में लेते हैं। जैसे क्या है डीडीटी है उसका क्या है पेल क्या है यानी क्या है पेल क्या है पेल ब्लू होता है हल्का नीला कलर जिसके अंदर ईडीटी होता है। फिर क्या है प्लेन वाइट होती है डार्क रेड कलर की उस तरीके से क्या है जैसे सीरम के लिए क्या है पेल येलो कलर की होती है उस तरीके से क्या है अपन अलग अलग वाइट को काम में लेते हैं। तो ये जो वाइट का डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग क्या है अपन वाइट को काम में लेते हैं। जैसे ग्रे कलर की जो वाइट है सबसे पहले उसको किसके लिए काम में लेते हैं अपन ब्लड शुगर के लिए। नेक्स्ट देखिए वाइल्स अकॉर्डिंग टेस्ट यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से वाइल्स को अपन काम में लेते हैं। जैसे जिस वाइल्स का कैप जो है ढक्कन जो किसके कलर का रेड कलर का है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है सोडियम पॉलीइंसॉल प्रेजेंट रहता है जो क्या करता है जो खास रिएक्शन नहीं करता क्लोटिंग एक्टिवेटर को एक्टिवेट करता है जो क्या क्लोटिंग फॉर्म करता है और सीरम को अलग करता है। जो कहाँ पे काम में आती है जो प्लेन वाइल है रेड कलर की जो वाइल है रेड कैप जिसका होता है उसको बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी के अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट रेड वाइल टॉप और गोल्ड जो क्या क्लोट एक्टिवेटर यानी जिसका येलो कलर का जो वाइल होता है टॉप होता है जिसका ढक्कन कैसा होता है येलो कलर का उसमें क्या प्रेजेंट रहता है थ्रोम्बिन प्रेजेंट रहता है जिसको किसके लिए काम में लेते हैं बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी के अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट लाइट ब्लू जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है यानी हल्का नीला जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है सोडियम सीक्रेट प्रेजेंट रहता है और क्या प्रेजेंट रहता है लिथियम हीपेरियम प्रेजेंट रहता है जो क्या है एंटीकोगुलेशन के अंदर
हेल्प करता है। इसको भी अपन क्या है थ्रोम्बिन वगैरह के लिए या फिर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काम में लेते हैं। ग्रीन वाइन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, प्योर जो ग्रीन होती है उनके अंदर ईडीटीए प्रेजेंट रहता है जो सीबीसी के लिए काम में रहता है। फिर क्या है लेवेंडर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है ईडीटीए यानी एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जो क्या है जिसके अंदर ईडीटीए होता है जो एंटीकोगुलेंट के रूप में काम में करती है यानी ब्लड को नेचुरल कंडीशन के अंदर रखने का काम करती है। नेक्स्ट है ग्रे यानी जिसको क्या है सिल्वर कलर की होती है, जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है कंटेंट कौन सा प्रेजेंट रहता है वाइट के अंदर सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है जो किसके लिए काम में जाती है रॉयल ब्लू और सोडियम हिपरेनिया ईडीटीए नाम, और जो किसके लिए काम में जाती है यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एक्टिवेट करने के लिए कौन सी वाइल काम में आती है ग्रे कलर की वाइल काम में आती है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम लेवेंडर या फिर सोडियम हिपरेन या ईडीटीए नॉन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर वो आपका किसके ऊपर होगा माइक्रोस्कोप के ऊपर, माइक्रोस्कोप के अंदर कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं कौन से लेंस होते हैं किस तरीके से उसको काम में लेते हैं वो सारा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।